राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है केप सूट फॉर कान्हा जी। जिसके पहले सबसे पहले आपको कान्हा जी की आर्म का मेज़रमेंट ले लेना है, जितनी उनकी आर्म की लेंथ हो, शोल्डर से लेके आर्म तक जितनी लेंथ उनकी आए। हाथ नहीं गिनना, हथेली जो होती है वो पार नहीं गिनना, जस्ट रिस्ट तक गिनना है आपने। तो उतनी लेंथ का आपको फैब्रिक ले लेना है और इसकी विड्थ जो है वो आप चुनटों के हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3x24 इंचज़ का फैब्रिक लिया है, कुछ इस तरह से। आप अगर हेमिंग इसी फैब्रिक में से करोगे तो आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन मैं जो है हेमिंग के लिए अलग से फैब्रिक लिया है मैंने, जिसकी मैं पाइपिंग निकाल लूँगी। तो मैं जो है 3 इंचेस का ही फैब्रिक मैंने लिया है। तो ये भी मैंने जो है 1.5x24 इंचेस की स्ट्रिप ले ली है। इसको हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बीच में ये वाला फैब्रिक रखेंगे, अगेन फोल्ड करते हुए इस तरह से, जैसे हम पाइपिंग निकालते हैं। आपके अगर एक स्टिच में नहीं निकल रही तो आप 2 स्टिचेस लगा के निकाल सकते हैं। पहले इस तरह से इसको प्लेस करके स्टिच दे दीजिए, देन बैक साइड पे इसको इस तरह से जो है फोल्ड कर दीजिए। तो 2 स्टिचेस में आपकी इजीली पाइपिंग निकल जाएगी। तो हम सबसे पहले इसके जो नीचे वाली साइड है उसमें हम ये वाली पाइपिंग निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने स्ट्रिप रेडी कर ली है, तीनों साइड्स पे मैंने पाइपिंग निकाल ली है। आप 24 के बजाय 30 इंचेस ले लीजिए। पाइपिंग वाला जो क्लोथ था मेरा लॉन्ग ही लिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने तीनों साइड पे एक साथ निकाल दी है पाइपिंग, ये देखिए। तो अब हमने इस स्ट्रिप के जो 4th साइड है उसमें हमने इस तरह से चुनटें ऐड करनी है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये जस्ट नेक के अकॉर्डिंग रखना है हमें। और ये जो 2 साइड्स हमने पाइपिंग निकाली है साइड्स पे, उधर हमें वेलक्रो टेप ऐड करनी है। इस तरह से वेलक्रो टेप का पीस लेके आप दोनों साइड्स पे ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे हम चुनटें ऐड करके इसको नेक के साइज़ का कर देंगे। इस तरह से, इस तरह से हम चुनटें डाल के स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने चुनटें ऐड कर ली है और वेलक्रो टेप भी ऐड कर ली है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। अगर हम इसको वेलक्रो टेप को बंद करते हैं तो ये देखिए, ये केप का लुक आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली साइड है ये अनफिनिश्ड है, तो इस पर भी हम पाइपिंग निकालेंगे सेम ब्लू कलर की, जैसे हमने नीचे वाली साइड पे निकाली है सेम वैसे ही हम पाइपिंग ऊपर वाली साइड पे निकाल देंगे। तो ये जो केप है वो बनके रेडी हो जाएगा। तो ये केप बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको इस तरह से हम जब वेलक्रो टेप को बंद करेंगे तो इसकी आप प्रॉपर लुक देख पाएंगे, ये देखिए। तो ये केप बन गया है। अब बारी आती है पैंटी बनाने की, ये देखिए, ये इस तरह से सीधा है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ निक्कर बना रही हूँ। तो निक्कर बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से 11x5 इंचज़ का फैब्रिक लिया है। आप अपने कान्हा जी के साइज़ के अकॉर्डिंग ले लीजिए। इसको एक साइड से सिंपली हेम करना है, दूसरी साइड से इलास्टिक रखते हुए फिर हेम करना है, और इलास्टिक की नोट टाई अप कर लेंगे। तो ये हमने इलास्टिक पे नोट टाई अप कर ली है और एक साइड से हमने सिंपली हेम कर लिया है। अब हम इसको उल्टा टर्न आउट करेंगे और ये जो ओपन साइड रह गई है इस पर हम स्टिच लगा के इसको क्लोज कर लेंगे। देन हम इस सेम स्टिच को मिड में लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम 20 स्टिच देंगे जिससे ये निक्कर बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 20 स्टिच लगा लिया है। अब ये 20 स्टिच के इनसाइड वाला जो फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। ये देखिए, अब इसको सीधा टर्न आउट करेंगे तो ये निक्कर बनके रेडी है। ये देखिए, तो ये केप प्लस निक्कर हमारी जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है कैप बनाने की। कैप बनाने के लिए कुछ इस तरह से राउंड सर्कल कट कर लीजिए। मैंने 5 इंचज़ का कट किया है। आप चाहो तो एक और कैप की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वो देख के वैसे बना सकती हो या इस सर्कल से बना सकती हो। सर्कल कट करने के बाद उसके चारों साइड्स पे पाइपिंग निकाल लीजिए, देन एक इलास्टिक लीजिए, उसको यहाँ पर रखते हुए
वन इंच का मार्जिन छोड़ के रखते हुए खींच खींच के इस तरह से राउंड शेप में जो है स्टिच कर दीजिए। तो ये कैप हमारी बनके रेडी हो जाएगी। तो ये कैप बनके भी रेडी हो चुकी है। तो रेडी है हमारा जो केप सूट विद कैप। इसको पहनाने के बाद की लुक मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये है इस केप सूट का फाइनल लुक, आप देख लीजिए ये कितना प्यारा लग रहा है। ये निक्कर है, देन ये केप है और देन ये हैट है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखिए बहुत प्यारा सा लुक बन के आता है। तो आप अगर समर्स के लिए कुछ हल्का फुल्का सा कान्हा जी के लिए देख रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।